वेलकम टू द चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग होगा। तो आज हम देखने वाले हैं जो अभी ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जहां पे अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके रिगार्डिंग वीडियो देखेंगे। खान सर का वीडियो है ये, खान सर ने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इसको। वीडियो थोड़ा लंबा है, 14 मिनट का है, तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश भी करूंगा कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसमें कैप्चर करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या ये सब, और फिर हम इस पर अपना भी एक व्यू रखेंगे में क्या इशू चल रहा है, और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है, और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था, तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आजादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं ला रहा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आजाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था, और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था, बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आजादी मिली थी, तो पूरी उस समय दो जगह एक थोड़ा सा बैकड्रॉप भी बता रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और दूसरा सिंगापुर में ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे अरसे 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह अब कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो, $5 मिलियन में। $5 मिलियन पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह, और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे, और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया, दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया, और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं, तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर। और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था, जो हरी सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया में। भारत ने विरोध भी जताया, लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है, और उसमें उसके अलावा बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। CPEC सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए दो दो बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाया जाएगा। तो कभी भी CPEC को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में भी है, और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना इसी प्रोजेक्ट के तहत, CPEC के तहत, पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहा है इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था, लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहाँ से पाएगा। और चाइना ने इस CPEC प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया यहाँ पर, इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की, तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा ना बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग, कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है, तो भैया 14 मीटर।
दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ 80-80 मीटर गहरा है, 14 मीटर जाएंगे। अडानी, अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अडानी का मुंद्रा बंदरगाह इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है, दुनिया का सबसे बकलोले है सब पूरा करा है सब। दुनिया का सबसे बड़ा एयर हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह, 3 गो बर्थ, 3 गो प्लेटफॉर्म, जैसे रेलवे जहाँ लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है तो पानी वाली जहाज जाती है बर्थ, ये ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा है, 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है, जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा थोड़ा पाकिस्तान में अवेयरनेस तो कम है आम पब्लिक में, जो वहाँ के यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो थोड़ा कुछ अलग ही नशे में रहते हैं। 250 जहाज एक साथ लगते हैं, ऐसा नहीं है सबको ही वैसे नहीं होते, कुछ पढ़े लिखे भी है अपने आप को हल्ला करता बकलोल है, ये ऐसा मेरा व्यू है इसको वो मत करिएगा। लेकिन ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है, इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है, और यहां से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुंच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं, हालांकि वहां पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डीले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस CPEC प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावा बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज, कई जो बनाया गया था उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया, 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। ओ भाई कर्जा लिया सर, जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। ये बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा, तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, हमारा तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं, वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो, तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है पाकिस्तान के पास, 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना, 40,000 करोड़, और कर्जा ले ले 5 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ इसी के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का, अभी दुनिया से अलग ही लिया है ये 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़, हमारे बिहार में, भारत में नहीं केवल बिहार में, तो ये मुझे नहीं पता था, मिड डे मील सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे, तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, बट थोड़ा वो भी है ना इकोनॉमी इंडिया की तो उनसे ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, आगे जो कि वो मानते नहीं कभी। चाइना इस, अब यहाँ एक और चीज समझिए, यहाँ पे ये इसके पास तो पैसा नहीं है, होली होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छोड़ा दी यहाँ पे, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिगमंगों को पैसा नहीं देते, भिगमंगों को पैसा देता IMF। तो IMF जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो IMF ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा CPEC के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह सड़क किसी चीज पे खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो CPEC प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये CPEC सड़क की दो सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पे कब्जा करेगा TTP, यहाँ पर जिसको मन करता है मार देता है यहाँ पर। और ये पाकिस्तान में काफी अटैक भी करता रहता है, जो भी चाइना के वर्कर होते हैं वो तो ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, सोच रहे खड़े सुतल रहता है आधा से उनको मार देते हैं, तो यहाँ कोई चाइनीज वर्कर काम करने वाला नहीं चाहता ही नहीं। सेम उसी तरह ग्वादर में, अभी ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया BLA वाले ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है, यहाँ सबसे ज्यादा खनिज है, कोयला है, तांबा है, सोना है, पेट्रोलियम है, सब इधर ही है, लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वैल्यू ही नहीं देता है। दूसरा, यहाँ एक धर्म के लोग पाए जाते हैं अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो, अलग बात है कोई मुसलमान है नहीं है वो कोई बात नहीं, चलिए कोई हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका कहना है कि नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। अरे भैया वो अहमदिया है तो तुम गोली काहे मार दोगे, तुम्हारा मन है मत मानो उन्हें यहाँ पे, तो गोली मार देते हैं। तो वो सब मिल के धो दिया सब, अभी उड़ा दिया है सब ग्वादर बंदरगाह, उड़ा दिया है सब, कोई पानी वाली जहाजें नहीं जा रही है, 3 गो तो प्लेटफॉर्म ऊपर से मार के उड़ाइए दिए यहाँ पे।
बताइए यहाँ पे। तो ये दोनों भाई लोग, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, देखो हमारे दुश्मन का दुश्मन, तुम्हें कोई दिक्कत उक्कत होगा तो हमारे इधर नहीं आना जी, उधर ही निपट जाना यहाँ पे, तुम लोग तो और खतरनाक है, किसी का नहीं है सभी सब। तो किसी भी आतंकवादी या गुंडे उंडे से ज्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ मार रहा है तो ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है यहाँ पर, हम लोग को मारना रहेगा तो सेना लेके जाएंगे यहाँ पे। लेकिन TTP और BLA ये नाक में दम कर दिए सब पाकिस्तान के, चाइना यहाँ से भाग गया, उसके पूरे वर्कर भाग गए यहाँ से, कहेंगे हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे। और चाइना का ये CPEC प्रोजेक्ट 200% फेल हो गया यहाँ पर। और चाइना में अभी रिसेशन चल रहा है, वहाँ पैसा ही नहीं है, लगभग चाइना को रिकवर होने में 3 साल लगेंगे, और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये तो तबाह हो जाएगा, सही चाइना बात का है। हाल। चाइना आखिर यहाँ आया क्यों था, चाइना का इतना पैसा डूबा क्यों? एक्चुअल चाइना का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट था। चाइना अगर यहाँ से आता, यहाँ से तो यहाँ से जब वो पेट्रोल लेके जाता था तो चाइना को एक लंबी दूरी तय करनी होती थी, और यहाँ भारत से होके जाना था, भारत यहाँ इसको आराम से धो देता, यहाँ अंडमान निकोबार में धोता, यहाँ नीचे धो देता यहाँ पर। और चाइना का जितना पेट्रोलियम है उसकी खपत इस एरिया में चाइना की पूरी फैक्ट्रीज हैं, सब सारे लोग यहीं रहते हैं, 95% चाइना के लोग इसी लाइन के इधर रहते हैं, इस लाइन को हान लाइन बोला जाता है यहाँ पे, इसके इधर ही पूरे चाइना के लोग रहते हैं, जबकि उसका ये कुछ पेट्रोलियम कुछ तो इधर इंटरेस्टिंग यहाँ फैक्ट रहता है, बताते हैं, ये पता नहीं थे। उसको पेट्रोल यहाँ से ईरान से, UAE से, ओमान, सऊदी अरब से खरीद के इतना लंबा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाओ, उससे अच्छा उसने देखा कि CPEC बनाएंगे यहाँ, ग्वादर बंदरगाह से सीधे यहाँ पहुंचा देंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छा जगह था उसका यहाँ रखने का, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ही पेट्रोल को रखा जाता है, टंकी उंकी बनाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों के बीच में ही सुरंग बना के उसी में रख दिया जाता है। तो चाइना का ये जो ऑयल डिपो है ये तो सब यहाँ पे सिंजियांग प्रांत में है, अगर भारत यहाँ से अटैक कर दिया तो पूरा फ्यूले उड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया, इस सिंजियांग प्रांत में चाइना का जो ऑयल डिपो है इसको काउंटर करने के लिए ताजिकिस्तान में एक सैन्य अड्डा ले लिया। ताजिकिस्तान में हमारे सैन्य अड्डे का नाम है ऐनिया हवाई अड्डा, ऐनिया, इसी को गीसर कहते हैं या हिसार कहते हैं यहाँ पर, यहाँ फॉरखोर एयरबेस नाम है यहाँ पे, यहाँ पे हमारी वायुसेना है यहाँ पर, और यहाँ से वायुसेना अगर अटैक कर दी तो सारा इनका फ्यूल सिस्टम की सप्लाई ये तहस नहस हो जाएगी। तो ये तो हो गया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये समझिए कि एक तरह का छुपा छुपाई के खेल होते रहेगा, कभी चाइना काउंटर करेगा कभी हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन चाइना थोड़ा पैसे से मजबूत हो रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज में भी। तो ये करेक्ट तो एक इंडिया के बाहर की ये सब सिनेरियो भाई, है। इंडिया से थोड़ा बेटर है अभी उनकी बिहार इकोनॉमिक से सिनेरियो कंडीशन। देखिए, बिहार में BPSC ने टीचर की परीक्षा कराई, TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 3 की परीक्षा होने से पहले ही उसका आंसर आ गया बाहर, उसकी जांच हुई, ये उसके पेपर दोस्तों लीक अब किए, टॉपिक से फिर थोड़ा जो अलग हो गया, वो न्यूज़ कुछ था और बताने लगे प्रयागराज, तो इसको वाराणसी, पॉज कर देते लखनऊ हैं। में तो लीक वीडियो किए। थोड़ा लंबा था बट खान सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ इसमें। तो देखिए TTP इसलिए अटैक करता है क्योंकि उनका ये वो अफगानिस्तान वाले तालिबानी है, तो उनका ये कहना है कि हम बहुत प्रताड़ित है पाकिस्तान से, और तो वो पाकिस्तान में करते रहते हैं आजकल बहुत सुनने में आ गया। और BLA तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तो उनका भी बलूचिस्तान को फ्रीडम मांग रहा है बलूचिस्तान, आए दिन उसकी खबर भी आती रहती है। उनको चाहिए कश्मीर मगर उनसे अपना ही खुद ही नहीं संभल रहा, तो ये भी एक चीज है। और दूसरी बात ये है कि अब इसमें हो क्या रहा है कि भाई पाकिस्तान क्या है, उसने पाले है उग्रवादी टेररिस्ट जो भी बोलते। अब देखिए वीडियो देखने वाले हो सकता है कुछ हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड हो जिनको ये बात पसंद ना आए, पर फैक्ट तो फैक्ट ही है भाई, इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है तो इंडिया ग्रो कर रहा है। आपके यहाँ अभी ऐसा कुछ होता है तो आपकी ग्रोथ है ही नहीं, अभी खत्म हो चुकी है, आप लोन पे टिके हो। तो यहाँ की जनता को भी थोड़ा आवाज उठानी चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हमें डेमोक्रेटिक रेंज चाहिए, आर्मी से छुड़का है और थोड़ा ये टेररिस्ट वगैरह को, तभी होगा जब डेमोक्रेटिक आपके यहाँ पूरी सरकार बनेगी। अभी भी शहबाज शरीफ को दे दिया है, होना जाना कुछ है नहीं, अभी 1-2 साल बाद फिर कूप हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान का चलता ही रहता है जब तक पब्लिक जागेगी नहीं। पब्लिक जागती कहाँ पे, उनसे अगर कश्मीर मुद्दे की बात करें तो ही वो जागती है। और अनडिसेंट बोलते हैं वो, उनके वहाँ के जो लोकल चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सस्ता नशा जो होता है वो वहाँ पे बहुत ही सस्ता है। तो ये बायस्ड लगेगा आपको वीडियो, मगर बायस ये फैक्ट्स है यार। अब और मैं देखिए ये बात भी मानता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना से कम है, और अगर चाइना वर्सेज इंडिया हो तो इंडिया को बहुत नुकसान देखने मिलेगा, मगर ये कभी होगा नहीं क्योंकि ये बात तो चाइना भी जानता है कि जो गलवान में हुआ था अगर वही लार्ज स्केल पे होगा तो चाइना को बहुत नुकसान देखने मिलेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी हो गई और पाकिस्तान आर्मी हो गई, ये क्या है 24/7 जो है कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं, तो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको एक्सपीरियंस बहुत है, बजाय इसके कि जो चाइना वाले ओनली शो करते हैं एंड वहां पे बस दिखाएंगे और कुछ होता नहीं। तो वो एक चीज है, उनके सोल्जर्स का क्या है उस पर अपन नहीं बोलते। अभी जो मुद्दा था वो TTP का अटैक पे था, तो TTP ने इसलिए उन पर अटैक किया कि भाई हम प्रताड़ित, और TTP वहां पे शरिया लॉ चाहता है, तो
इसलिए बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे और यहाँ पे टीटीपी ने मचा रखी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगे वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, अपने व्यूज भी मेंशन करिए। इस तरह के जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए तो वो भी मेंशन करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।